Yes, good morning students. How are you students? I hope you are all well during this COVID-19. आप घर में सब अच्छे होंगे, अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा वर्क कर रहे होंगे. ओके, ओरल वर्क एंड रिटर्न वर्क आल्सो, सुंदर सुंदर राइटिंग. देखिए, हमने आपको जो पीछे वीडियो भेजा उसमें हमने आपको कर्सिव ए भी सिखाया, हमने आपको ए टू ई मीनिंग भी सिखाए. अब हमने नया सिखाया आपको बी फॉर बॉल. ठीक है, सेम चीज़ लिखनी होती है, बस थोड़े से उसमें आपको कुछ सर्कल्स बनाने होते हैं, तो डिज़ाइंस बनानी होती है. थोड़ा हार्ड लगेगा एक बार, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, यू हैव टू प्रैक्टिस विद ए प्लस बी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप जब भी कुछ नया वर्ड सीखो, पहले वाले आपको रिवाइज करने हैं. जैसे आपने अगर ई के वर्ड सीखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द ए बी सी डी वर्ड ऑल्सो. आप बी कर रहे हो तो पहले आपको ए करना है, उससे के कंटिन्यूटी बनी रहेगी. बी सीखना मतलब ये नहीं कि आपको खाली बी करना है, आपको ई भी करना है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट ऑफ वी डू सम रिविजन. ओके, यस, अल्फाबेट का पहला वर्ड ए डबल पी एल ई एप्पल. ई एन टी आंट. बी का देखिए आप पहला वर्ड बी ए डबल एल बॉल. एंड बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एंड सी ए आर कार, एंड डी फॉर डी यू सी के डक. आप मेरे साथ साथ स्पेलिंग भी बोलेंगे, तब भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा. उसके बाद में डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग. उसके बाद में हमने पढ़ा था ये नया वर्ड ई फॉर एग, अंडा जिसे कहते हो, ई डबल जी एग. और ये एग कौन से कलर का होता है? वाइट कलर. उसके बाद में ई वाई ई एस आईज, योर टू टू आईज इज हेयर. ठीक है, और आईज कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की. तो ये पढ़े थे हमने ए टू डी अल्फाबेट्स मीनिंग. ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस, आपको ए टू ई टू टाइम्स आपको लिखने हैं ईच एंड एवरी वर्ड. उसके बाद में हमने पढ़ा था ये ए फॉर एप्पल, कर्स्यू का हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा था. मैंने आपको नीचे इस बॉक्स के अंदर मैंने आपको डॉट्स भी दिए. अगर किसी बच्चे को डाइट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हैव टू यूज द डॉट्स. आपसे रिक्वेस्ट है ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ मेक सम डॉट्स इन योर वर्ड्स नोटबुक, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है. अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा कर लेगा, देन नो नीड टू एनी डॉट्स, अदरवाइज यू हैव टू मेक द डॉट्स. तो ये था आपका कर्सिव राइटिंग का ए फॉर एप्पल, जो हम पीछे एक वीक से बना रहे हैं. ओके, फिर हमारा आता है, आप ये देखिए बी फॉर बॉल. ये देखिए, मैंने कॉपी में इसलिए आपको लाइटली बना के दिखाया है ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको कि बिल्कुल दिखने में बिल्कुल बी जैसा है, बट थोड़ा सा गोल घुमा के आपको नीचे हल्का सा फोल्ड करना पड़ेगा. मैंने डॉट्स इसलिए लगाई हैं ताकि आप इजी वे में बच्चे को सिखा सको फोर लाइन की कॉपी के अंदर. ठीक है, तो ये आपका था बी फॉर बॉल. करना क्या है आपको, हाफ पेज में ए फॉर एप्पल लिखना है, आपको नेक्स्ट हाफ पेज में आपको बी फॉर बॉल लिखना है. इज इट क्लियर? आपको पेज एक ही काम में लेना है, हाफ पेज यानी फोर लाइंस की कॉपी के अंदर फोर लाइन में आप ए लिखोगे, नीचे की फोर लाइन में आप बी लिखोगे. काम आपको एक ही पेज का करना है. ए टू ई मीनिंग्स को आपको टू टू टाइम्स कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है. बहुत थोड़ा काम देते हैं हम ताकि आप उसको अच्छे से करो. अगर ज़्यादा देंगे तो आपसे इतना काम होगा नहीं, फिर आपको साथ में मैथ का काम भी करना होता है, आपको हिंदी भी करनी होती है, आपको ओरल भी करना पड़ता है. इसीलिए ट्राई दैट, अच्छे से करिए. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी कम विद द न्यू वर्ड्स. हम जो अगली क्लास लेंगे उसमें हम एफ फॉर फीस वाली चीज़ें सीखेंगे और कर्सिव राइटिंग में भी हम सी सीखेंगे. ठीक है ना, धीरे धीरे आपको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है. एंड द स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ. अपना काम टाइम पे करना है अगर स्कूल नहीं आना है तो, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, ये ध्यान रखिएगा. एंड वॉश योर हैंड अगेन एंड अगेन व्हेन यू टेक एनीथिंग. कुछ भी खाने से पहले आप अपने हैंड वॉश करोगे, अपने मुंह पे एक मास्क है जो वो वियर करोगे. जब बाहर जाओ, जाओ ही मत, जाओ तब भी यू हैव टू वियर द मास्क. ओके, पेरेंट्स का कहना मानना है, नॉट यूज़ एनी एब्यूज लैंग्वेज. जिद्दी तो करनी नहीं है किसी भी बच्चे को,
अपने पेरेंट्स से, हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, स्कूल ओपन होगा जब कर लेंगे, नहीं, आपको टाइम से अपने पेरेंट्स का कहना मानते हुए अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, सी, स्टे होम, सेव।